उसके बाद उसके बारे में खुद बोलने क्या क्या मुश्किल है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो हमारी 17th को 16 रन आरिफ ने की थी, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था श्रीनगर से जम्मू सोलो साइकिलिंग राइडिंग में, वो इन्होंने कंप्लीट आगे बुलाता हूँ। तो रवीश भाई हमको बताना चाहते हैं, इन्होंने जब वेव ऑफ किया था आरिफ भाई को, सर आप बताना चाहते हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा। जब आरिफ ने साइकिलिंग स्टार्ट की तो उस वक्त सुबह के 7 बजे थे, 7 बजे यहाँ से निकला है और 7 बजे ही ये जम्मू में पहुँचा है, 7 बजे से पहले, तो इसका मतलब 12 घंटे से कम से लिया है। और 300 किलोमीटर इसने सोलो राइड की है साइकिलिंग, इतने खतरनाक टेरियन पे और इतना ट्रैफिक जाम रहता है, फिर भी आरिफ ने हिम्मत नहीं हारी और इसने महज 12 घंटों में ये सफर तय किया। थैंक यू वेरी मच रवीश भाई। अभी मैं बुलाना चाहता हूँ मोहसिन भाई को, जिन्होंने इनको फिनिशिंग पे इनका साथ दिया था, बिल्कुल फिनिशिंग पे। हमारे मोहसिन साहब है, मोहसिन साहब आप बताना चाहते हो कुछ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि इतने ज़्यादा हर्डल्स के, आपको पता है कि जम्मू से जो श्रीनगर से जम्मू जो रोड है बहुत ही टफेस्ट रोड माना जाता है, इंडियन टफेस्ट रोड। तो उसमें से मुझे आगे का जो मैंने सुनने में मुझे मिला तो उसमें ये कहा गया कि उनकी साइकिल भी कहीं पर ख़राब हो चुकी थी, जैसा कि मैं फ़ोन पे इनके साथ कांटेक्ट में था, उसमें भी 1-2 घंटे लग गए जिसकी वजह से वो 2 घंटे ज़ाया हुए। और उसके बाद उधमपुर में इनकी साइकिल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, तो उधमपुर ऑलमोस्ट 6:12 में मैंने इनको कॉल किया और मैं उधमपुर की तरफ निकला और मैंने इनको नगरोटा में पाया। और उनकी साइकिल जो थी ऐसी सिचुएशन में थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी, तो मैं तो इन्हीं को दाद देना चाहूँगा इसके लिए कि इनका एफर्ट था कि उसने कंप्लीट किया और अच्छे से कंप्लीट किया। ऐसा ही कुछ 7:00 थे तो इन्होंने जम्मू क्रॉस किया, तो मैं तो इनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा इसलिए, क्योंकि मेरे से अगर मैं होता एट दैट टाइम तो मेरे से वो साइकिल ड्राइव नहीं हो पाती। तो मैंने ट्राई भी किया था, मैंने इनको बोला भी था 2 सेकंड के साइकिल मुझे तो दिखा, लेकिन साइकिल बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही थी, जो पैडल थे जाम थे बिल्कुल। लेकिन आपको पता भी है जो उधमपुर से जो रोड जाता है 78 किलोमीटर्स है जम्मू तक, तो और वो रोड बिल्कुल अप डाउन है और वो स्लीप भी बहुत है और स्टीप भी बहुत है और जब स्लोप है तो उसमें चल पाना भी बहुत टफ है। तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा इनको, इन्होंने कंप्लीट किया और एक ही दिन में कंप्लीट किया, तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। अभी हमारे जो हमारे सीनियर खिलाड़ी है मजीद साहब और नजीर साहब, मैं इनको आगे बुलाना चाहता हूँ और ये हमें स्टेट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सर आप आइए प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि आरिफ ने सोलो राइड श्रीनगर जम्मू किया, तो इस एप्रिसिएशन के लिए हमारी टीम ने फैसिलिटीज ने इसके लिए एक सेरेमनी रखी है यहाँ पे। तो ये मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मैं हमारे जो सबसे ये सीनियर एथलीट है अल्ताफ भाई और हमारे जो जूनियर एथलीट है फैजान भाई, मैं इन दोनों को भी आगे बुलाना चाहता हूँ, ये कि हमें आरिफ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो फैजान भाई और अल्ताफ भाई आप आगे आइए और हमारे दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आरिफ का जो डेडिकेशन है वो बहुत ही अच्छा है, ये हिम्मत नहीं हारता है, हमेशा चलते रहते हैं जहाँ भी हम इवेंट करते हैं, ये आगे होता है हमेशा, क्योंकि इसमें डेडिकेशन पावर ज़्यादा है, तो ये हर जगह हमें लीड करता है। थैंक यू। अभी मैं हमारे जो रवीश भाई और मोहसिन भाई हैं वो स्टेज पे आइए, इसके बाद जो आरिफ भाई है वो भी स्टेज पे आएंगे। तो आरिफ भाई के लिए हम क्लैप करना चाहते हैं जिन्होंने सोलो राइड कंप्लीट की है, आरिफ भाई के लिए तालियां। तो हमारे जो सीनियर एथलीट हैं रवीश भाई, नजीर साहब, मजीद भाई, आप सर इनको अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन FAS की तरफ से है। अभी आपको अरे भाई कैसा लग रहा है आपको ये अवार्ड? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो मुझे बताइए हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं यहाँ पे, उनको बताइए कि जो आपका जो कैसा सफ़र रहा, जो आपने शुरू किया श्रीनगर से और जो आपने इतना पजीट किया जम्मू में, कैसा सफ़र रहा? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, लेकिन तो
तो मुश्किलों के बारे में थोड़ा बोलिए, क्या क्या मुश्किल पेश आई है? और साइकिल खराब हुई थी, उसकी पाइप जो है वो भी वो जाम हुई थी सर, जिसकी वजह से ये लेट हो गया। कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे राइडर्स के लिए या साइकिलिस्ट्स के लिए, दुनिया जो करते रहते हैं ऐसे इवेंट्स, या करना चाहेंगे ऐसे कोई जो नई जनरेशन या पुराने लोग भी है वो करना चाहिए, तो कोई सजेशन देना चाहेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए उनके पास, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, आप थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि आप इसके लिए एक्सपीरियंसड हैं, आप बताइए इसके बारे में। उनके लिए ये मैसेज है, वो सुबह निकले या साइकिल पर निकले या जॉगिंग पर निकले, या पहले हमें साइकिल के बारे में बताइए। चाहिए साइकिलिंग होना चाहिए, पंचर किट होना चाहिए, और साइकिलिंग वो होनी चाहिए, और ग्लोव्स होना चाहिए ये ज़रूरी है, और शूज भी होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए ये ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस होनी चाहिए वो सबसे बड़ी बात है, और जो जलपा होना चाहिए, फील पावर होना चाहिए, पहुँच पाएगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई इनको तो नहीं पता, हमें पता है, मुझे पता है, आपको पता है, जब आप बेमुआवजे आपने साइकिल को ऐसे उठाया तो कैसा फील हुआ उस टाइम? बहुत ही अच्छा फील हुआ। हिप हिप ओरे।